ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸੰਗਾਂਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜੇ। देखिए श्रीमान जी, मेरा नाम संतोष गांधी, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ और मैं दो बार तो साइकिल यात्रा दिल्ली तक कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ ज्ञापन दे चुका हूँ, रेल मंत्री के यहाँ। अब बात करते हैं आंदोलन की। देखिए ऐसा रहता है कि आंदोलन एक अहिंसा के मार्ग का रहता है, जब सरकार कोई डिसीजन ऐसा कानून बना देती है तो लोग आंदोलन करते हैं, जैसे इन किसान भाइयों ने किया, किसान भाइयों ने आंदोलन किया। अब इसमें आप कहना चाहते हो कि इसमें पॉलिटिक्स होगी कि नहीं होगी? पॉलिटिक्स का तो ऐसा है कि अपनी अपनी सोच डिमांड करती है। हो सकता है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको पॉलिटिक्स ना भाए, पर जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है वो लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि देश आज़ाद है। देश आज़ाद है तो हर आदमी की अपनी अपनी आज़ादी के ऊपर वोट डिफेंड ले सकता है। क्या थे संघर्ष की तो वोटा क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए मेरा मानना ऐसा है कि चुनाव और राजनीति दोनों अलग अलग है। जिन मेहनत की है उनका वाकई अगर कोई एक नेचर होता है प्रत्याशी का, नेचर के आधार पे अगर वो सही है तो चुनाव में उतर सकते हैं, और अगर कोई नेचर के आधार पे सही नहीं है तो चुनाव लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। चुनाव में आपको पता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज कहां से कहां आ गई, मोदी जैसी पार्टी कहां से कहां पहुँच गई। पॉलिटिक्स करना मतलब एक बहुत बड़ी जंग है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है इंसान को छवि होना चाहिए, आदमी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। अच्छा, पंजाब दे विच कोई चांस नहीं है भाजपा के लोगों को? हले भी एंटर नहीं होने देना उन्होंने, तो सरकार बनाने का बहुत दूर है, कहते असं बनावे सरकार। तुहाडे इलाकों के मध्य प्रदेश यूपी उधर की हालात ने? उतों भी इन्ने किसान लामबंद हुए थे कि उत्थे इन्ना विरोध नहीं है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ, सच कड़वा होता है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये जो कृषि कानून, तीन कानून मोदी जी ने बनाए हुए थे, ये किसान आंदोलन को देख के नहीं उनने वापस लिए, ये पांच राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसको देख के अंतर्गत में इन किसान भाइयों के ही थ्रो ने तीनों कानून वापस लिए। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि देश आज़ाद है, आंदोलन किसान भाइयों ने एक साल तक किया, देश का प्राइम मिनिस्टर जब वोट मांगने के लिए हर जनता के यहाँ जा सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्या इनके बीच में नहीं आ सकता है? आ सकता है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनकी एक ही चीज़ की मांग रही है, हमने कानून बनाया तो हमने वापस ले लिया। पर हमारा मानना ऐसा है कि ये पूरे देश की किसानों की जीत है। अब किसानों को वापस चले जाना चाहिए या एमएसपी वाले मुद्दे पे बैठे रहना चाहिए? देखिए मेरा मानना ऐसा कि किसानों को यहाँ एक साल करीब हो गया है, और मेरी तरफ से तो यही मांग है केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि किसान भाइयों की जो जो मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, और किसानों का सम्मान करते हुए किसानों भाइयों को भी घर जाने के लिए समर्थक लीजिए। अच्छा, आपका ये पहरावे का क्या? देखिए हमें 16 साल हो गए हैं, हम आज के गांधी जी हैं। आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए संतोष गांधी, तो आप हमें उसमें देख सकते हो। जब भी देश में भ्रष्टाचार होता है या जब भी सरकार के बैठे हुए कर्मचारी भ्रष्टाचार कर लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे मढ़ी जमुनिया में का रोड है उसमें भ्रष्टाचार हो गया था 60 लाख का, तो मैंने उसके लिए साइकिल से दिल्ली तक आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ शिकायत करने, तो उसका अभी सुधार नहीं हुआ है पर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ आया हूँ, एसपी और कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन दे, हमारे यहाँ के दो सचिव है, सरपंच है, उनने मढ़ी जमुनिया में 50 लाख का घोटाला किया है, तो हमारा यही तो कहना है आम आदमी कमा नहीं पा रहा है, सरकार के सिस्टम के बैठे लोग ये लोग ऐसे ही पैसा कमा लेते हैं। अच्छा, तो लगता है जो संयुक्त किसान मोर्चे के हेड ने इन्हें कल इज्जत होएगी कि खत्म होगी बस मोर्चे? देखो मैं सभी से आप कहता हूँ, किसान की इज्जत की भूमिका हमेशा अमर है, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने उस मंच से भी कहा था, किसान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद ही रहेगा। किसान अगर इस आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं करेगा तो उसकी भूमिका का अंतर क्या आएगा? ये तो पॉलिटिक्स हो जाएगी फिर। किसान की हमेशा मान सम्मान था, मान सम्मान है, मान सम्मान ही रहेगा। कुछ हरियाणा के किसान है वो कहते हैं हम नहीं वापस जाएंगे, चाहे किसान मोर्चा कह दे क्योंकि हमें एमएसपी चाहिए। देखिए मेरा मानना ऐसा कि ये किसान मोर्चे में जो 12 मुखिए चुने गए हैं, जैसे राकेश डकैत जी हो गए और अन्य लोग हैं,
इनकी सबकी सहमति बनाने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इसमें अगर कोई 9 भग गए और अगर कोई 3 लोग बैठे रहे तो फिर उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? देखिए मेरा ऐसा है कि मैं मध्य प्रदेश से यहाँ 1 साल से आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ शांति रहे, अहिंसा के मार्ग से इन लोगों ने आंदोलन चलाया है, उसी माध्यम से आंदोलन चले। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आधे लोग चले जाएंगे और जो लोग यहाँ रह जाएंगे, पर मैं उनके साथ तो रहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी किसान आंदोलन में 703 जाने गई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार तो आती जाती रहती है पर किसी की जान नहीं जाना चाहिए। आंदोलन चल रहे हो, ਉੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ 3 ਵਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल की अगर अपन बात करें तो उनने जो सरकार बनाई है खुद से तो बनाई नहीं है, ठीक है। हर नेता का एक विश्वास होता है, जो विश्वास को लेकर के जनता मतदान करती है, उसी मतदान से उसने काम किया अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में दोबारा सरकार बना ली। अब इसमें अपन डिपेंड कर रहे हैं कि सामने वाले का और किसी का कितना विचार रहेगा, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सो ये सन एक गांधी जी के रूप के विच ने और पहले तो लैके संघर्ष के विच ने और अन्ना हजारे के संघर्ष तो लैके हुण तक किसानों का संघर्ष लड़न आए हैं। कैमरामैन उपनीत के नाल मैं गुरपाल सिंह बराड़ सिंघू बॉर्डर दिल्ली।